वन ऑफ द बिगेस्ट वैकेंसी आया है और ये अप्रेंटिस का ट्रेनिंग का वैकेंसी है। कंपनी का नाम क्या है? IOCL। एलिजिबिलिटी किसको किसको मिले, मतलब कौन कौन एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए? BSc, ITI, डिप्लोमा, राइट। तो सैलरी कितना मिलेगा? जो IT वाले हैं उनको स्टाइपेंड मिलेगा 10,000 के आसपास, जो डिप्लोमा वाले हैं या BSc वाले हैं उनको मिलेगा 12,500 के आसपास। इसके बाद जितने भी फैसिलिटीज़ उनके रेगुलर एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं IOCL वालों के, आपको मिलेंगे, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन की फैसिलिटी, ये सारे फैसिलिटीज़ आपको ही मिलेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, वीडियो को पूरा देखना, कुछ भी स्किप मत करना। पूरा डिटेल्स में डिस्कस करने जा रहा हूँ, स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा सारा कुछ जो भी नोटिफिकेशन के लिए है। इसका PDF पाने के लिए क्या करें आप, जो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है फर्स्ट कॉर्नर मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करें और भी आपको जॉब अपडेट्स मिलता रहेगा ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन प्रेस करो और बने रहो मेरे साथ लास्ट तक। चलो चलते हैं स्क्रीन पर। सो गाइस, वेलकम टू द स्क्रीन। और इसमें हमारा नोटिफिकेशन एग्जैक्टली जो IOCL से दिया गया है, हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो बने रहो लास्ट तक, हर चीज़ को समझना है, सुनना है, फिर भी कोई चीज़ रहता है कमेंट करना है, आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू योर कमेंट, राइट। चलो जान लेते हैं कहाँ कहाँ पर ये बेसिकली पोस्टें हैं। देखो, गुवाहाटी है, बरौनी है, गुजरात है, हल्दिया बंगाल, मथुरा यूपी, पानीपत हरियाणा, दिगवोई और बनईगांव और पारादीप उड़ीसा, इन जगह पर क्या है वैकेंसीज़ हैं। जो आपका डेट कब है, 25/10/2019 को आया हुआ है, मतलब रिसेंटली भी आया हुआ है। फ़ायदे वाली बात क्या है, जितने भी BSc के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो BSc वाले के लिए एक अच्छी, काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, BSc फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो आप लोग जितने भी बच्चे हो, आपके जितने भी फ्रेंड हैं, उन सारे को फॉरवर्ड करो। ट्रेनिंग पीरियड कितना होगा? 12 महीना, लेकिन ये फिक्स नहीं होता है, ये क्या होता है, चेंज रहता है। फिर हमारे पास क्या है, फिटर, उसके लिए ITI चाहिए फिटर वालों के लिए, राइट। इसमें एक अच्छा खासा वैकेंसी है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, मैकेनिकल, राइट। इसके लिए क्या चाहिए, 3 ईयर्स BSc चाहिए और ये आपका कि आपका BSc में केमिस्ट्री मैथ्स चाहिए। और सबसे ज़्यादा आपका पीरियड ऑफ ट्रेनिंग किसका है, इसी का ही है, बॉयलर वाला का कितना है, 24 मंथ्स का पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है। बाकी का भी क्या हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कैसा कंडीशन है। केमिकल वालों काफ़ी अच्छा क्या है आपका अपॉर्चुनिटी है, केमिकल का बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पूछते रहते हैं मेरे से। तो केमिकल डिप्लोमा वालों का क्या है, वैकेंसी है आपका 12 मंथ्स का, क्या है आपका, आपका क्या है इसमें वैकेंसी है, राइट। अच्छा, मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल है यहाँ पर। सो मैकेनिकल वालों की काफ़ी अच्छा वैकेंसी है ये। इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी एलिजिबल हैं यहाँ पर। तो बाकी सारे एलिजिबल कौन कौन है बताया तो आपको, BA वाले भी एलिजिबल हैं, उसके बाद BCom वाले एलिजिबल हैं, इस असिस्टेंट के लिए सेक्रेटरी असिस्टेंट, काफ़ी अच्छा पोस्ट है अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है। और ये कितना मंथ्स का ट्रेनिंग है, 15 मंथ्स का। अकाउंटेंट का है, जो BCom वाले हैं उनके लिए एलिजिबल है, 12th पास वाली एलिजिबल हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, और फ्रेशर अप्रेंटिस, मतलब काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, दो कंप्लीटेड 12th क्लास, राइट। अच्छा, और एक स्किल सर्टिफिकेट होल्डर वाले के एलिजिबल हैं, जो जिनके पास स्किल सर्टिफिकेट ऑलरेडी है, तो उनके पास कितना है, 12 मंथ्स का आपका क्या है, 12 मंथ्स का आपका पीरियड है, किसके लिए आपका, इस ट्रेनिंग के लिए जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा। चलिए एज लिमिट के बारे में बात करते हैं कि भाई एज लिमिट क्या होगा, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 18 साल से लेकर 24 साल तक होगा। किसको रेफरेंस मानेंगे, 31/10/2019 को क्या करेंगे हम रेफरेंस मानेंगे, उस हिसाब से चलेंगे, राइट। अच्छा, आप जो अभी मतलब जो अभी अपियर हो रहे हैं, BA डिप्लोमा कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं या BCom कर रहे हैं, BA कर रहे हैं या +2 कर रहे हैं, वो एलिजिबल नहीं है इन चीज़ों के लिए। थोड़ा सा इस पे पर ध्यान दें आप, थोड़ा सा इसको समझें, आप एलिजिबल नहीं हो, नेक्स्ट जब पोस्ट आएगा तब देखना। अब आइए बात करते हैं भाई सिलेक्शन कैसे होगा, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सिलेक्शन क्या होगा आपका, आपका पेपर होगा, राइट। और ये पेपर कितने घंटे के होंगे, 2 आवर्स के होंगे, 2 घंटे का पेपर होता है, राइट। उसके बाद आपका सब कुछ रहेगा। पेपर कैसे होगा आपका, MCQs होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। और किस तरह का पेपर आएगा एग्जैक्टली, थोड़ा सा आपको अगर नॉलेज चाहिए, आप IOCL का अप्रेंटिस का कोई बुक खरीद लें या किसी और अप्रेंटिस का बुक खरीद लें, जहाँ से आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, वो आपको काफ़ी फायदेमंद होता है। मिनिमम कितना चाहिए, 40% मार्क्स चाहिए, इसमें परसेंटाइल नहीं है, मतलब 100 नंबर का पेपर होता है आपके पास, तो आपको 40 नंबर लाना ही पड़ेगा इस एग्ज़ाम में पास करने के लिए। ये आपका मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है, इसको आप समझें, बहुत से लोग समझते नहीं इस बात को, थोड़ा आप समझ लें। आइए बात करें थोड़ा सा कि भाई लीव का क्या रहेगा। लीव का देखो बता रहा हूँ यहाँ पर, जनरल लीव कितना रहेंगे, 32 डेज, राइट, 8 डेज पर क्वार्टर रहेगा। उसके बाद कैजुअल लीव कितना रहेगा, 12। तो ये सारे लीव हैं आपके, इंश्योरेंस कवरेज रहेगा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बेनिफिट्स मिलेंगे IOCL के अंदर, जैसे आप जाएंगे बहुत सारे जाते हैं और
काफी एंजॉय। आइए अब बात करते हैं किसके बारे में, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, देखो भाई साहब, आप अप्लाई कर सकते हो किसके लिए, ऑनलाइन IOCL, उसके बाद कहाँ जाना, IOCL वेबसाइट जाओ, गो टू शो ऑल अंडर वर्ड्स न्यू, गो टू एंगेजमेंट अप्रेंटिसेस अंडर रिफाइनरीज डिवीजन एंड सिलेक्ट द लिंक ऑफ द रिफाइनरी यूनिट वेर यू वॉन्ट टू, और आप जिस चीज़ यहाँ पर जिस जगह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये रहा आपका अप्लाई करने का जगह, गुवाहाटी, बिगनोई और ये जगह, असम में तीन जगह है, बोरनोई, बिहार में है बरौनी, उसे बदरोड़ा, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, पारादीप, जहाँ अप्लाई करने आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अच्छा चलो अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो वही डेट, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, लास्ट डेट क्या है, 15/11 है। उसके बाद डाउनलोड एडमिट कार्ड कब तक कर सकते हैं आप, 20 से लेकर 23 तक। रिटर्न टेस्ट कब होगा आपका, 24 को होगा। और पब्लिकेशन रिटर्न रिजल्ट कब आ जाएगा, 29 को आ जाएगा। और डॉक्यूमेंटेशन कब होगा, 4 से 11 के बीच में होगा, मतलब इसी साल सब कुछ आपका क्लियर। मतलब अगर आपका अप्रेंटिस ट्रेनिंग लगता है तो इसी साल लग जाएगा, तो ये चीज़ें हैं। और अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं कि सर हमें थोड़ा सा बता दिया करो कि कैसे हमें फॉर्म को भरना है। मैं तो आपको थोड़ा सा जो यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर जो स्टेप बताया गया है, वो स्टेप एग्जैक्टली आपको बता दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आपको क्या करना है, पहले इनको IOCL.com कॉपी करना है, मैं यहाँ उसको कॉपी करता हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए बात। यहाँ पर क्लिक कर देंगे, राइट, क्लिक कर दिया हमने, तो क्लिक करें कुछ खुलेगा, ये हमारे पास वेबसाइट खुल चुका है, राइट। अच्छा यहाँ तक आते हैं हम, तो यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, हमें कहाँ पर जाना है वो हमें पता होना चाहिए। इसीलिए मैं क्या करूँगा, उस वेबसाइट पे जाऊँगा पहले जहाँ से हमने उठाया था। अब गाइज हमें क्या करना है, शो ऑल अंडर, तो यहाँ पर एक राइट साइड में मैं इसको थोड़ा उठा कर रखता हूँ ताकि आपको पूरा दिखे, राइट। मैं थोड़ा सा इस जो हमारा स्क्रीन है इसको थोड़ा सा उठा लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो शो ऑल है, और शो ऑल होने के बाद यहाँ पर हमें यहाँ पर आना है, राइट। अच्छा अब आगे बताता हूँ क्या करना है। जैसे मैंने शो ऑल पर क्लिक किया, ये ऑप्शन बेसिकली आपके राइट साइड में बीच में आएगा जो आपको दिखाया अभी मैंने। और उसके बाद क्या करना है आपको, देखो हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं बहुत सारे, राइट। तो हमें किस ऑप्शन पर जाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। हमें जाना है आपको किस पे, कि एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर रिफाइनरी डिवीजन, राइट, वहाँ पर जाना है हमें। मैं आपको दिखाता हूँ एंगेजमेंट, तो एंगेजमेंट ऑफ ये रहा देखो, ये हमारे पास एंगेजमेंट अप्रेंटिसेस अंडर रिफाइनरी डिवीजन, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पास नया चीज़ आएगा, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन क्लिक किससे करते हैं, थोड़ा सा टाइम देना इसे खोलने के लिए, खुलेगा, बिकॉज थोड़ा स्लो है, मेरा इंटरनेट स्पीड काफ़ी अच्छा है, बट जो जहाँ से लोड हो रहा है पेज थोड़ा स्लो है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये खुल गया देखो, अब हमें क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसको अच्छा सा दिखाता हूँ आपको पूरा। हाँ अब हमें क्या करना है, अब डिवीजन मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आया मैकेनिकल, या मैं फिटर के लिए मान लो अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा नीचे जाएंगे तो प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सिलेक्ट करना है अब कौन सा, मान लो आई वॉन्टेड टू गो टू गुवाहाटी, गुवाहाटी क्लिक करना है, राइट। उसके बाद प्रोसीड में क्लिक करना है दोबारा, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, राइट। फिर यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो सब कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे रखा है, मैं इसको उठा कर रखता हूँ, सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। पर्सनल डिटेल्स डालना है आपको, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको नेक्स्ट दबाना पड़ेगा, ये जो ऑप्शन है आपके पास नेक्स्ट, यहाँ पर जाना पड़ेगा, राइट। जैसे नेक्स्ट दबाओगे सब कुछ पढ़ के करना भाई, मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ने बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला था कि सर कैसे फॉर्म भरना है, हम IT वाले हैं, हमें अच्छे समझ में नहीं आता है, तो हमें थोड़ा सा अच्छे से बताओ ताकि हमें क्लियर हो जाए, राइट। अगर अच्छे से एडिटेशन पढ़ना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो पूरा क्लियर। नेक्स्ट के बाद ये खुलेगा, थोड़ा स्लो है, मैं वेट कर लेता हूँ खुलने का ताकि आपको पूरा दिख जाए डिटेल्स कि कैसे क्या करना है। और जैसे जैसे आप फॉर्म भरोगे ना, देखो यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा हूँ मैं, पहले पर्सनल डिटेल्स आएगा, फिर आपका क्वालिफिकेशन आएगा, फिर एक्सपीरियंस आएगा, फिर डिटेल्स आएगा, फिर आपका सबमिशन आएगा। तो जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे आप काम होता जाएगा, तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, इन ऐसे फॉर्म को भर सकते हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो बच्चे अप्रेंटिस करना चाहते हैं, जो बच्चे टेक्निकल नॉलेज लेना चाहें। IOCL वन ऑफ द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, इस चीज़ में आप कर सकते हैं काम। तो गाइज होपफुली आपको क्लियर हुआ। अच्छा ये रहा जो मैं बता रहा था, वेबसाइट खुलेगा तो पूरा मैं दिखा देता हूँ, ऐसे खुलेगा, आपको पूरा यहाँ पर फिल करना है नाम और लास्ट में फिर ऑप्शन जाते रहना है। अच्छा और एक चीज़ ऑप्शन, अगर मान लो आप यू आर न्यू टू दिस ऑनलाइन वर्ल्ड, तो मैं आपको बोलूँगा आप क्या करें, किसी कैफे वाले के पास जाओ, उनको थोड़ा पैसे दो, वो आपका फॉर्म अच्छे से भर देंगे, कोई आपका झंझट नहीं होगा। अकेले से भरने से एक प्रॉब्लम होता है, और एक बात, मोबाइल से बने कोशिश थोड़ा कम करना, मोबाइल से काम इतना अच्छा होता नहीं यार, कंप्यूटर से ही काम होते हैं। तो
अगर आपको लगता है मेरा बात जायज़ है, आप कंप्यूटर में करके कर देखना, पता लगेगा कितना आसान होता है, राइट। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो जरूर शेयर करना दोस्तों के साथ। बाय।